बच्चे, ऑलराउंडर क्लासेस जो है आपका ख्याल रखता है, सारे पीसीस को एक जगह पढ़ाने का अरेंजमेंट किया हुआ है, और SS2 के लिए जिसका एग्ज़ाम्स शायद दिसंबर 2021 में हो सकता है, उसके लिए क्लास स्टार्ट्स हो रहे हैं 1 सितंबर 2021 से। ठीक है, मैं आपको PC 8 पढ़ाने वाला हूँ। PC 8 पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा ऑलराउंडर्स क्लासेस के बारे में आपको इंट्रो कर देता हूँ। ठीक है, PC 8 तो मैं आपको पढ़ाऊँगा ही। PC 8 की आज की जो मेरी टॉपिक है वो है फिनांस अकाउंट्स एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। ये PC 8 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है तो छोटा सा ही चैप्टर, बट आप सभी को फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें पता होना चाहिए, इसलिए हमें ये जानना है। ठीक है, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको ऑलराउंडर क्लासेस के बारे में दे देता हूँ कि ऑलराउंडर क्लासेस एक ऑनलाइन क्लास है बच्चे। ठीक है, और ये सभी पीसीस को पढ़ाते हैं, स्पेशली सिविल ऑडिट और सिविल अकाउंट्स के 9 पीसीस को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। और ऑलराउंडर क्लासेस में 3 to 4 मंथ्स में ये सारे 9 पीसीस पढ़ाने के लिए आपको प्रोविज़न किया गया है। क्लास की टाइमिंग होती है मॉर्निंग 6 to 8, है ना। 6 to 7 एक पीसी चलती है और 7 to 8 दूसरी पीसी चलती है, और इवनिंग में आपको अपने से खुद ही टेस्ट जो आपने पढ़ा है सुबह में उस पे टेस्ट अलॉट हो जाता है, और ऑनलाइन टेस्ट ऑलराउंडर्स के ऐप होते हैं, उस ऐप पे आपको ऑलराउंडर्स के ऐप पे आपको टेस्ट डेली देने हैं, और फिर एक फाइनली वीकली टेस्ट होगा कि आपने पूरे हफ्ते में क्या पढ़ा और आपका ग्रोथ कितना रहा। इसमें 60% लाना आपका मैंडेटरी होता है, यदि 60% से कम नंबर लाते हैं तो 500 रुपी का फाइन लगता है, या क्लास में एबसेंट भी हो जाते हैं, टेस्ट नहीं देते हैं, क्लास में एबसेंट मीन्स टेस्ट के दिन एबसेंट हो जाते हैं, तो आपको भी उसके लिए भी फाइन देना पड़ता है। मीन्स आपको पढ़ना उन्हीं बच्चों के लिए ऑलराउंडर क्लासेस वेलकम करते हैं जो हार्ड वर्किंग हो, जो अपने एम को AA जो बनने का सपना खुद देख रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का जज्बा जिन बच्चों में है, वही बच्चे इस क्लास में एडमिशन ले। सभी के लिए नहीं है, इसलिए ऑलराउंडर क्लासेस ने इस बार से एक स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट, है ना, स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो होने वाला है 29th अगस्त 2021 को। ठीक है बच्चे, इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप जिन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना हो, ये सभी पेड क्लास होते हैं बच्चे, आपको पता होना चाहिए। ऑलराउंडर क्लासेस फ्री क्लास नहीं है, बट नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता है, क्योंकि आपको 24/7 ऑलराउंडर क्लासेस वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, आपको टेस्ट अवेलेबल होते हैं, आपकी स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, तो उसके लिए सर्विस प्रोवाइडर्स को जो खर्चे देने होते हैं वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर ही आपका ये मेंटेन होता है। तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपको कुछ फ़ी ज़रूर देनी पड़ती है, फ़ी नॉमिनल ही होती है, फ़ी जो पूरे 3 पीसीस तक आपको तो इसमें फ़ी दिया गया है, 3 पीसीस तक पढ़ते हैं, यानी एक पीसीस कोई पढ़ते हैं तो आपको 5,000 रुपया देना पड़ता है, 2 पीसी पढ़ते हैं तो 10,000, और 3 पीसी पढ़ते हैं तो 15,000 देना पड़ता है, और ये पीसीस मतलब एक पीसी का 5,000, कोई भी एक पीसी पढ़ लो, ये PC 1 नहीं है, कोई भी पीसी 9 पीसीज में से आपकी 2 पीसी कोई भी पढ़ते हैं तो 5+5 आपको 10,000 देना पड़ता है, और 3 पीसीज पढ़ते हैं तो आपको 15,000 देना पड़ता है, कोई भी 3 पीसी पढ़ते हैं तो 15,000 देना पड़ता है, और 15,000 जो बच्चा पे करता है उसको दूसरे जो पीसी हैं वो फ्री हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे वो फ्री का सिस्टम लगा हुआ है कि फ्री क्लासेस उनको होती है जो 15,000 देते हैं 3 पीसीस के लिए, तो बाकी जो पीसीस हैं वो फ्री हो जाती हैं। तो इसके साथ आपको एडमिशन जो कराने के लिए आपको प्रोविज़न बता रहे हैं उसके लिए भी 1,000 का आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज जो नॉन रिफंडेबल है आपको भरना है, और टेस्ट देने के लिए जो स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे उसको आपको उसके बेस पे तैयार करके टेस्ट में अपियर होना है, और जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, यहाँ पे स्कोर का सिस्टम लिखा हुआ है, सिर्फ उन्हीं को
स्कॉलरशिप मिलता है, और स्कॉलरशिप केवल एक बार मिलता है और सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलता है जो एडमिशन लेते हैं, तो उनके फीस में से डिडक्ट हो जाता है। कोई अलग से कैश अवार्ड या अलग से क्लेम करना चाहे कि मैं एडमिशन नहीं ले रहा हूँ और मुझे ये अवार्ड दिया जाए, मैं इतने नंबर लाया हूँ, तो ऐसा प्रोविज़न नहीं है बच्चे, है ना। ऑलराउंडर क्लासेस हर चीज़ों के लिए एक ट्रांसपेरेंट क्लास है, हर चीज़ें आपको सारी जिज्ञासा को पहले ही क्लियर कर देता है, क्योंकि टीचर और टाट में बहुत अच्छे रिलेशन बिल्डअप होना चाहिए। कोई ऐसे बातें ना हो कि जो टीचर को अच्छी ना लगे या क्लास की डिसिप्लिन ब्रेक हो। इसलिए आपको जब भी एडमिशन लेना है तो क्लियर इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है, और फिर आपको एडमिशन्स के लिए व्हाट्सअप करना है, जो ऑलराउंडर्स का नंबर है उस पर फिर आपको आगे की चीज़ें कंफर्म कर दी जाएंगी, ठीक है। ऑलराउंडर्स का नंबर आपको पता ही है, अभी चैनल्स पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं ऑलराउंडर्स के, वो भी देख सकते हैं, ऑलराउंडर्स कैसे पढ़ाते हैं, ऑलराउंडर्स की चीज़ें मटेरियल्स कैसे हैं, ठीक है। ये ऑलराउंडर्स का नंबर है ना, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप करो, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लासेस बिजी होती है, तो आपको अपने मैसेज जब फ्री होंगे ऑलराउंडर्स तो आपको देख के बता देंगे, ठीक है। अभी हम PC 8 का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फिनांस और अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स उट्स, वो पढ़ते हैं, ठीक है बच्चे। ओके, लेट अस कम टू आवर PC 8 का क्लास। PC 8 में देखो बच्चे, ये MSO वॉल्यूम 2 है, जिसमें आपको दो चैप्टर होते हैं, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स और दूसरा फिनांस अकाउंट्स, और वो रिवाइज हो गया। पहले फिनांस अकाउंट्स के जो अपेंडिसेस लगती थी वो 19 लगती थी, अभी अपेंडिसेस 22 हो गई हैं, और यही आपके सिलेबस में आया है रिवाइज फाइनेंस अकाउंट बन के, ठीक है बच्चे। तो इसको आपको ठीक से पढ़ना है। देखो कुछ चीज़ें बेसिकली हम समझ लें कि एनुअल अकाउंट्स क्या होता है। तो एनुअल अकाउंट्स दोनों होता है, फिनांस अकाउंट्स भी एनुअल अकाउंट है और अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स भी एनुअल अकाउंट है। एनुअल अकाउंट क्यों है? क्योंकि यह साल में एक बार बनाया जाता है, और पीछे जिस पीरियड में का हम बना रहे हैं उस पीरियड में क्या गवर्नमेंट ने इस पे अप्रोप्रिएशन एक्ट बना के क्या क्या बजट प्रोविज़न किया था, कितना एक्सपेंडिचर किया गया, जितना प्रोविज़न किया गया था क्या उससे एक्स्ट्रा किया गया या उससे कम किया गया, सेविंग कोई की गई, ये सारे के सारे डिटेल हमें दिखाने होते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में, ठीक है। फिर फिनांस अकाउंट्स में आपको आगे बताएंगे कि इसमें तो सिर्फ अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में केवल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड बातें होती हैं, और फिनांस अकाउंट्स में एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों हो जाती हैं, यानी कोई भी चीज़ इससे छूटता ये नहीं है। फिनांस अकाउंट्स एक बड़ा बाल्टी हो गया ऐसा समझो, और बड़े बाल्टी में से छोटा सा मग निकाल के हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि खर्चे पर विशेष गवर्नमेंट का ध्यान होना चाहिए कि भाई खर्चे हुए हैं तो किस चीज़ के लिए हुए, इसको भी देख लिया जाए, और ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं, तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं बच्चे, इसलिए दोनों को ही मिला के हम एनुअल अकाउंट कहते हैं, ठीक है। अथॉरिटी क्या है, किस बेस पे बनाया जाता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 149 और 151 में ये प्रोविज़न दिया गया है कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स और फिनांस अकाउंट्स बनाया जाए, और उसको CAG उसको सर्टिफाई करते हैं, और वो सर्टिफिकेशन का पावर और इलोबरेट इंफॉर्मेशन कहाँ दिया गया है? तो CAG के लिए DPC एक्ट 1971 बनाया गया है, वहाँ पे ये दिया गया है। उसके साथ चूंकि यह स्टेट के अकाउंटेंट जनरल A&E वाले को और बनाना पड़ता है और सर्टिफाई करना पड़ता है स्टेट के जो AG ऑडिट हैं उनको, इसलिए MSO भी उन पे इम्प्लीमेंट होता है, और MSO फिर इशू कौन करता है? CAG करते हैं, तो इसीलिए इसको CAG का MSO वॉल्यूम 2 कहते हैं, ठीक है। तो पहले क्या था कि अर्लियर CAG वॉज टू प्रिपेयर एंड सबमिट फिनांस एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स टू यूनियन स्टेट एंड UTs तीनों का, लेकिन पहले पहले ये काम था CAG का दोनों करना, प्रिपेयर करना और बना के उसको सबमिट करना, और सबमिट किसको करना, यदि यूनियन का है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और यदि स्टेट से रिलेटेड है तो गवर्नर ऑफ द स्टेट, और यदि UT जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली हो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठते हैं, गवर्नर नहीं बैठते हैं, जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव की बात ना हो तो वहाँ पे गवर्नर, जहाँ पे अपॉइंट है वहाँ गवर्नर,
और जहाँ गवर्नर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर ही उस स्टेट उस यूटी को चलाते हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को ये सबमिट करना होता है। ठीक है, 1977-78 से सीएजी को प्रिपेयर करने का, किसका, यूनियन और यूटी का, ठीक है, स्टेट का नहीं। स्टेट का तो अभी भी सीएजी करते हैं थ्रू स्टेट एजी, लेकिन 77-78 फिनेंशियल ईयर से सीएजी को इस ड्यूटी से रिलीव कर दिया गया कि वह यूनियन और यूटी का प्रिपरेशन वाला जो काम है वो नहीं करेंगे। ठीक है, सीएजी हैज़ टू कंटिन्यू प्रिपेयर एंड फिनेंस अकाउंट्स फॉर द स्टेट थ्रू रिस्पेक्टिव स्टेट एजी। ठीक है बच्चे, आपको ये तीनों पहले समझ में आए, ये पहले की बात थी, ये 77-78 से ये बातें हुई, लेकिन स्टेट के लिए अभी भी बनाना है। ठीक है, और मंथली अकाउंट्स की शुरुआत कहाँ से, ये फिनेंस अकाउंट्स या अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की शुरुआत कहाँ से होती है, बिगनिंग कहाँ से होती है, वो बच्चे जब आपके स्टेट एजी के पास, जो ए एंड ई के हैं, सारे स्टेट्स में जो खर्चे होते हैं उसकी मंथली अकाउंट उनके पास आती है, और मंथली अकाउंट ही प्रोग्रेसिव फिगर में कन्वर्ट होते 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 वह पूरे एनुअल अकाउंट्स के लिए पिलर तैयार हो जाता है। ठीक है बच्चे, ऐसे इसका क्रिएशन होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि ए एंड ई कलेक्ट्स, क्लासीफाइज, कंपाइल्स एंड अकाउंट्स डेटा रेंडर्ड बाई द मल्टीपल एजेंसीज प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है, जैसे पीडब्ल्यूडी के जो मंथली पेमेंट्स होते हैं, पीडब्ल्यूडी के सारी कैटेगरी, चाहे वो बीएनडीआर हो, ये पब्लिक हेल्थ हो, या फिर स्टेट ट्रेजरी के, या इरीगेशन के, या फॉरेस्ट के, ये सारे जो अकाउंट्स रेंडर्ड होके आते हैं स्टेट एजी के पास, ए एंड ई के एजी के पास, वहाँ से वो मंथली अकाउंट के बेस पे इसको आगे प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। ठीक है बच्चे, तो ऐसे ही ये सिक्वेंस बनता है। ओके, नेक्स्ट, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है, ये आपके किताबों में ये डेट दिया गया है, तो इस डेट को हमें जानना चाहिए कि भाई कब मंथली, कब हमें फिनेंस अकाउंट्स ए एंड ई को तैयार करना है, उसके बाद से तैयार करके ऑडिट के पास भेजना है उसको ऑडिट कराने के लिए, और फिर ऑडिट से जब आ जाता है, वेरीफाई हो जाता है, तो उसको प्रिंटिंग प्रेस में किस तारीख तक भेजना है। तो ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, फिनेंस अकाउंट्स का है 5 अक्टूबर, 25 अक्टूबर एंड 5 नवंबर, इस हेड में है ना, मतलब इस कंडीशन में, कि फ्रॉम ए एंड ई टू ऑडिट, ए एंड ई वाले अपना बना के फिनेंस अकाउंट्स ऑडिट को कब भेजेंगे, तो 5 अक्टूबर। ये जो MSO में लिखा है वो हमें जानना ही चाहिए, प्रैक्टिकली आप क्या करते हैं, आपका डिपार्टमेंट में कैसे होता है, या बाद में डेट्स आ जाते हैं कि हमें इस डेट को नहीं, इस डेट से ही शुरुआत करनी है, वो अलग बातें हैं, क्योंकि वो बड़े स्टेट और छोटे स्टेट के स्ट्रेंथ पे और उसमें कितना टाइम इन्वॉल्व होगा उस बेस पे भी डिसाइड कर सकते हैं, बट यूनानिमसली जो बुक में दिया गया है उसको हमें याद रखना पड़ेगा। कितने कॉपी में बनाया जाता है, तो इसको साइन कितने कॉपी में करते हैं सीएजी, फिर उसके बाद से टोटल कॉपी कितनी बनाई जाती है, ये भी हमें जानना है। 5 बाउंडेड कॉपी, टोटल 19 कॉपीज। ठीक है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स दिखता कैसे, ये है अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का, और ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, है ना, ये वर्ड आपसे पूछ रहा है कि जब आप बनाते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स तो उसमें आप ओ अक्षर लिखते हैं ना, ओ किस चीज़ के लिए होता है, तो ओरिजिनल ग्रांट कब आया है, या एस किस चीज़ के लिए होता है, तो यह सप्लीमेंट्री ग्रांट कब आया, आर किस चीज़ के लिए यूज़ हम करते हैं, तो ये री अप्रोप्रिएशन या विड्रॉल या सरेंडर जब हम करते हैं। चार्ज एक्सपेंडिचर को किस तरह शो करते हैं, तो इटैलिक्स में शो करते हैं, यानी तिरछी लाइंस के साथ जो लिखते हैं वो, जैसे देखो इटैलिक्स खुद ही ये लिखा गया है, टेढ़े होकर जो लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में देखते हैं, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का आपका फॉर्मेशन है, ऐसे दिखता है स्टेट, ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स रहेगा, उसका फिनेंशियल ईयर रहेगा, किस स्टेट का पर्टेन करता है वो स्टेट लिखा रहेगा, उसका आगे अंदर में समरी ऐसे बनाया रहेगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पे सीएजी सर्टिफिकेशन करते हैं, साइन करते हैं, और ये आपका अंदर में डिटेल ऐसे होता है, जिसमें आप दिखाया था ना, ओ क्या होता है, आर क्या होता है, एस क्या होता है, तो अमाउंट दिखाना पड़ता है, ठीक, जो रेवेन्यू है, जैसे यहाँ पे कोई एग्जांपल दिया है ग्रांट नंबर 2 एजुकेशन के लिए, तो रेवेन्यू वोटेड है या रेवेन्यू चार्ज्ड है, कैपिटल वोटेड है या चार्ज्ड है, और देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि यदि चार्ज्ड होगा तो हमेशा इटैलिक्स में लिखेंगे, तो ये आपको इटैलिक्स में लिख लिख के दिखाया गया है, टेढ़ा टेढ़ा करके ना, देखो ये फिगर्स सारे इटैलिक्स में है ताकि दूर से ही पकड़ में आ जाए, क्योंकि चार्ज एक्सपेंडिचर मैंडेटरी एक्सपेंडिचर होता है, उसमें कोई कटौती नहीं करते हैं। ये है आपका फिनांस अकाउंट्स, इसमें कोई वॉल्यूम नहीं होती है, इसमें होते हैं नया जो रिवाइज
अपेंडिसेज हैं वो 22 हो गई हैं, और ये 22 अपेंडिसेज आपकी ये हैं, 13 ये हैं, फिर इसके बाद से नोट्स टू अकाउंट्स लिखते हैं, ए एंड ई जैसे ऑडिट वाले बोलते हैं कि ये चीज़ पे एक्सप्लेनेशन लिखो, ये चीज़ों को एलिब्रेट करो क्यों रीजन से हुई, तो ए एंड ई फिर इस पर नोट्स टू अकाउंट्स लिखते हैं कि ये चीज़ ऐसी, ये चीज़ें ज़्यादा इसलिए दिख रही हैं कि ये रीजन रहा है या ये चीज़ें ऐसी हुई हैं, तो एक नोट भी लिखना पड़ता है उसको नोट्स टू अकाउंट्स कहते हैं। फिर तो ये तो समरी, ये जो आपकी है ये समराइज फॉर्म में हो गए 1 से लेकर 13 तक, और आगे 14 से लेकर 22 तक ये हो गए डिटेल फॉर्म में, इसी चीज़ को डिटेल में लिखना है, और फिर इसके साथ अपेंडिसेस भी 13 लगती है, ठीक है। ये वॉल्यूम में तैयार होता है आपका एक समराइज स्टेटमेंट और एक होता है आपका डिटेल्ड स्टेटमेंट, ठीक है। तो टोटल की संख्या अभी 22 है, ये लेटेस्ट है, और ये ऐसे आपको दिखेगा और ये याद रखना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि ये स्टेटमेंट जो मान लो स्टेटमेंट नंबर 2 है रिसीट कंसोलिडेटेड फंड का, तो वो यदि हम उसको डिटेल में देखना चाहें तो उसका डिटेल पेयर किसके साथ करके देखेंगे। ये तो हो गई हमारी समराइज, तो आपको बताना पड़ेगा कि 14 नंबर स्टेटमेंट, 14 क्या कहता है, डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट बाय माइनर हेड्स। फिर 17 में है ना ये डिटेल्स स्टेटमेंट ऑफ बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, फिर 18 में, तो ये आपको इसी हिसाब से तैयार करना पड़ेगा बच्चे, है ना, 14 वाला, 17 वाला, 18 वाला, ये नहीं कि बीच में 16 कर दें तो भी देखेंगे, नहीं देखेंगे, 16 वाले को देखना होगा तो इसमें देखेंगे बच्चे, ठीक है। तो ये इंटर रिलेटेड होते हैं, ये हमें याद रखना पड़ेगा, कुछ इस तरह हमने बनाया है इसको, ठीक है बच्चे। तो ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलराउंडर क्लासेस के मैं बता ही दिया आपको, यदि आपको इंटरेस्टेड हो और SS2 के लिए आप तैयारी करना चाहते हो तो आप एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा लो, टेस्ट दो,